Good morning, students. So in last class we have completed section D from CBSE sample paper, and today we are going to discuss the questions of CBSE sample paper from section C, that is 4 marks questions. उस दिन हमने 6 marks के questions किए थे, आज हम 4 marks के questions discuss करेंगे, right? तो देखिए 4 marks के questions section C. That is from 27 questions. 27th question है आपके पास सबसे पहला. Let f from a to b be a function defined as fx is equal to. आपके पास 27th question ही said कि एक function given है, that is 2x plus 3 upon x minus 3, where a is from real minus 3. And b is from, आपके पास एक function है from a to b, जिसमें a ये है और b is from real minus 2, right? Is the function 1 and onto? Is f invertible? If yes, then find its inverse. NCERT का question है, easy question है, function given है, आपको वो कह रहा है कि आप इसे 1 और on 2 बताओ, then you have to check whether it is invertible, and if it is invertible, if inverse exists, then what is the inverse of this, right? तो invertible के लिए हमने कहा था कि हम दो तरह से show कर सकते हैं function को invertible. पहला, या तो हम function को 1 और on 2 show कर दें कि वो bijective है तो inverse exist करता है, या सेकंड हमने कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से कहा था, देख फॉग वाई के इक्वल और गॉफ एक्स के इक्वल हो, लेकिन यहाँ हम फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि उसने अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या फंक्शन 1 और ऑन 2 है, तो हम फॉग और गॉफ पर नहीं जाएंगे. तो सबसे पहले फंक्शन को 1 और ऑन 2 चेक करने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शंस लेकर चलते थे इक्वल. तो हम लेते थे लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. हम दो फंक्शंस लेकर चलते हैं कि लेट दीज टू फंक्शंस आर इक्वल. तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 3 इज 2x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस 3. देखो f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ x1 क्या होगा, x को x1 से रिप्लेस कर दो. f ऑफ x2 क्या होगा, x को x2 से रिप्लेस कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर x1 x2 के इक्वल आता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल, फंक्शन 1-to-1 है, अदरवाइज नॉट. तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दैट वी गेट 2x1 x2 प्लस 3x2 माइनस 6x1 माइनस 9 इज 2x1 x2 प्लस 3x1 माइनस 6x2 माइनस 9. तो 2x1 x2 से x1 x2 गया, आपके पास 9 से 9 गया. अब आपके पास ये यहाँ ले आओ 3x1, तो माइनस 9x1 इक्वल टू माइनस 9x2. तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के. देयरफोर फंक्शन इज 1-to-1. पहला पार्ट हो गया. ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं इफ इट बिलोंग्स टू कोडोमेन. मींस अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहते थे कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू. तो fx को हम कहते हैं y, यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू. fx को हम y कहते हैं, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दो. x एक तरफ और y एक तरफ, तो x कॉमन लिया, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2. ये आ गई वैल्यू. अब देखो क्या ये बिलोंग कर रही है r माइनस 2 से, यस, क्योंकि अगर हम 2 डालेंगे तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, देयरफोर फंक्शन इज ऑन टू.
या हम एफ एक्स को वाई भी शो कर सकते हैं कि अगर हम एफ एक्स को वाई के इक्वल अगर हम शो कर दें देन ऑल्सो वी कैन से दैट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स देन ऑल्सो इट इज ऑन टू, वो भी हम कर सकते हैं. ये तो आ गया इसका मतलब फंक्शन वन वर और ऑन टू हो गया. अब हमें बताना था कि इन्वर्टिबल है. यस, क्यों है? बिकॉज फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल. अब इन्वर्टिबल हो गया, हमें क्या निकालना है? इनवर्स. तो जो हमने एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में निकाली थी उसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स. तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 2, दैट इज योर इनवर्स. अगर वो आपसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स पूछता तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाता? हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते. कई बार वो क्वेश्चन पूछता है जबकि इनवर्स है यही, लेकिन अगर वो एक्स की फॉर्म में पूछता है देन यू हैव टू रिप्लेस वाई विद एक्स ओनली. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27. इसमें ऑन टू के लिए आप एफ एक्स को वाई के इक्वल भी सपोज कर सकते हो, शो कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. दो क्वेश्चन हैं इसमें, ऑप्शन आई है आपके पास. तो 28th क्वेश्चन में एक तो आपके पास है एक रिलेशन गिवन है x और y में एंड यू हैव टू प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू दिस. दोनों क्वेश्चन आपके पास कहां से हैं? डिफ्रेंसिएशन से. तो 28th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a of x minus y, then prove that dy by dx is equal to under root of y 1 minus y square upon under root of 1 minus x square. आपको ये शो करना है, right? तो आप देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास क्वेश्चन है ये रिलेशन और हमें dy by dx निकालना है. अगर हमारे पास ये गिवन नहीं होता प्रूव दैट, तो हम सिंपल इसका डेरिवेटिव करते, dy by dx निकालते और डिफ्रेंशिएट करके dy by dx अलग करते एंड वी गेट द आंसर. लेकिन उसने अब आंसर दिया है और आंसर क्या है? ये. अगर हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर y की टर्म है और यहाँ x की टर्म है, और जब आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो x और y मिक्स्ड फॉर्म में आएगा, तो आंसर यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा. तो जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो जहां आपके पास आंसर गिवन हो, तो एक बार जरूर नजर मार लेना कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वहां तक पहुंचेंगे. तो इस केस में नो. तो यहां हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं ताकि डेरिवेटिव करने से पहले हम एक्स अलग और वाई अलग कर लें. तो देखो कैसे हम इस केस में पुट x को हम डाल देते हैं साइन a और y को हम डाल देते हैं साइन b. क्यों डाल रहे हैं? देखो, मैं x को यहाँ साइन डालूंगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर b कॉस, साइन a माइनस साइन b. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगकर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी. तो इसलिए हम x को साइन a और y को साइन b पुट करेंगे. तो यहां जब हम पुट करेंगे तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज ए ऑफ साइन ए माइनस साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस कॉस बी इज ए ऑफ साइन ए माइनस साइन बी. कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 a as it is sin a minus sin b का फॉर्मूला. अब इसमें 2 तो आएगा और a as it is रहेगा, तो पहली टर्म cos की cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, cos से cos कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? cos of a minus b by 2 is a of sin a minus b by 2. डिवाइड कर दें
तो cot of a minus b by 2 is a, कर सकते हैं, एंगल सेम था तो हम cos को sin को cos के नीचे ले आए, cos by sin cot हो गया. अगर एंगल नहीं होता तो हम नहीं करते. कैन वी राइट cot इनवर्स ऑफ a माइनस बी इज 2 cot इनवर्स ऑफ a. ये आ गया, a और b की वापस वैल्यू पुट कर दो. a साइन इनवर्स ऑफ x माइनस बी साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ऑफ a. नाउ डिफरेंशिएटेड, देखो डेरिवेटिव करोगे तो इसी टाइप का आ रहा है. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स ऑफ y का इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जीरो, कॉन्स्टेंट है x y कुछ नहीं है. तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, राइट. तो ये था आपके पास क्वेश्चन कि अगर आप डायरेक्ट करोगे डेरिवेटिव तो डायरेक्ट करने से हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमने यहां पर ये यूज किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम एक्स और वाई की जगह पुट कर दें, राइट. इसी का और पार्ट आपके पास है. अब उसके और पार्ट का क्वेश्चन ज्यादा इजी है, इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, लेकिन उसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा. उसमें हमारे पास सिंपल एक्स और वाई है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. देखो वो क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे अब हम. और में जो दिया है आपके पास x और y गिवन है, ही सेड फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. पैरामीट्रिक फॉर्म आपके पास दी हुई है इस केस में, राइट. उसने आपको दिया है और पार्ट, इफ x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा sin 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin 2 थीटा माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा. फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव एट थीटा इज पाई बाई 8. हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है वेन थीटा इज पाई बाई 8. क्लियर. तो देखो इस केस में अब हम क्या करें, सबसे पहले x और y गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म, तो डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा की फॉर्म में है a एज इट इज. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, 2 चेन रूल याद रखना, प्लस 2 एज इट इज. अब थीटा साइन थीटा आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, मैं ब्रैकेट लगा रही हूं यहां. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, तो आपके पास आ जाएगा a बाहर माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा. कट गया, आपके पास आया 4 ए थीटा कॉस 2 थीटा. ठीक है, y आपके पास क्या था, a साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा. डी वाई बाई डी थीटा निकालें, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 बाहर प्लस, फिर से टू ए कॉस टू थीटा, ए बाहर ही रहने दो अभी, प्लस 4 थीटा साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. फिर कट गया आपके पास, ये क्या बचा, 4 ए थीटा साइन 2 थीटा. यहां से अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट. हम मिस्टेक यहां कई बार क्या करते हैं, अभी भी बहुत बार स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोबारा. सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर,
डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर और फिर डिवाइड करते हैं, दैट इज रॉन्ग। जब आप इसे डिवाइड करोगे सेकेंड डेरिवेटिव के बाद तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो बी केयरफुल अबाउट इट कि सेकेंड डेरिवेटिव तब निकलता है जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपके पास क्या आया, फोर ए थीटा साइन टू थीटा अपॉन फोर ए थीटा कॉस टू थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स वी गेट फोर ए थीटा से फोर ए थीटा गया टैन टू थीटा, राइट। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहां से हम, आपके पास टैन टू थीटा आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन किस में है, थीटा में। तो ध्यान रखना टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू थीटा, टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला था उसका रेसिप्रोकल करके यहां वैल्यू पुट करोगे। तो टू सेक्स स्क्वायर टू थीटा इंटू वन अपॉन फोर ए थीटा कॉस टू थीटा, राइट। अब यहां आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज पाई बाय एट। तो यहां से पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय एट। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू सेक्स स्क्वायर टू इंटू पाई बाय एट इज पाई बाय फोर अपॉन फोर ए पाई बाय एट कॉस पाई बाय फोर। यार है, अब यहां से सेक पाई बाय फोर और कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर क्या होता है वन बाय रूट टू और सेक पाई बाय फोर इज रूट टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा एट रूट टू अपॉन पाई ए, ये कट जाएगा, ए एज इट इज रहेगा, ये पाई बाय एट एट बाय पाई हो गया, यहां पर आया वन बाय रूट टू और यहां आएगा रूट टू का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये और था, और में से जो आपको इजी लगे यू हैव टू यूज दैट वन। उसमें थोड़ा सा हमें सोचना था कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, इसमें हमें डायरेक्ट करना था, इजी था क्वेश्चन, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, नाइन्थ चैप्टर से क्वेश्चन आया है आपके पास फोर मार्क्स में, दैट इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा था कि तीन फॉर्म्स हमने की थी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है और उसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स की टर्म वहां ले जाकर कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। कौन सी फॉर्म है ये, वाई बाई एक्स फॉर्म, या हम कहें देखो हर टर्म की पावर सेम, टू अंडर रूट है वन 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 वन, डिग्री सेम है, तो ये कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अदरवाइज चेक करने के लिए हम होमोजीनियस में क्या करते थे, एक्स को वी एक्स और वाई को वी वाई डालकर देखते हैं कि अगर सेम आ जाए फंक्शन तो ये होमोजीनियस है, लेकिन उसने हमें नहीं कहा कुछ भी, तो हमने खुद देखा कि आपके पास हर एक की डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस होती है तो वाई को हम क्या पुट करते हैं, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, इक्वेट करें दोनों डी वाई बाई डी एक्स को, जहां वाई है वहां क्या पुट करेंगे, वी एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेकर कट जाएगा, ये एक्स कॉमन लेकर कट रहा है, आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बच रहा है, v से v भी गया, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर। होमोजीनियस होता है तो आगे वेरिएबल सेपरेशन आता है,
हो गया वेरिएबल सेपरेशन, इंटीग्रेट करें, 1 अपॉन x² + a² लॉग ऑफ v प्लस सेम फंक्शन लॉग x प्लस लॉग c, सब कुछ लॉग में है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं, लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + v² लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, इक्वेट करें x c, v की वैल्यू डाल दो y बाय x, ये आ गया आपके पास, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, x यहां जाकर x² हो जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ x² + y² = x² c इज द आंसर। लास्ट में आंसर को हाईलाइट जरूर करोगे, हाईलाइट करने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके पास ठीक रहती है, ठीक से दिखता है कि हाँ आपने इसे प्रॉपरली सॉल्व किया है, राइट तो ये था आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30th, दैट इज फ्रॉम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है जिसमें फंक्शन मॉड में है, और डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन मॉड में आए तो मॉड की प्रॉपर्टी लगती है। 30th क्वेश्चन, इवैल्यूएट 1, 2, 3 मॉड ऑफ x² - 2x dx, देखो इजी सा क्वेश्चन दिया है, x की कौन सी वैल्यू ऐसी डालें जो फंक्शन को जीरो कर रहा है, 2, 4 - 4 जीरो, और 2, 1 और 3 के बीच में लाई करता है, क्योंकि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा प्रॉपर्टी लगेगी और उस पॉइंट पर ब्रेक होगा फंक्शन जिस पॉइंट पर फंक्शन जीरो हो रहा है, तो यहां से देखें 2 पर हो रहा है तो इसका मतलब 1 से 2 और 2 से 3, ये हुआ। अब 1 से 2 के बीच की वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो फंक्शन आपके पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव, 1.5 डाल लो, राइट दैट इज 3/2, तो फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस लगाकर x² - 2x, और 2 से 3 के बीच में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। सिंपल इंटीग्रेट एंड पुट द लिमिट्स, दैट इज x³/3 - 2x² / 2, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2, x³/3 - 2x² / 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3, सिर्फ आपने लिमिट्स पुट करनी है, माइनस बाहर 8/3 - 4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 1/3 - 1, 27/3 - 9 - 9 लोअर लिमिट डालेंगे 8/4 12/4 - 4/3 आ रहा है 8 - 12 - 4/3 और इसमें डालोगे तो 1 - 3 - 2/3 + 2/3 प्लस, ये तो जीरो हो गया, बाहर माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से माइनस में 8/3 - 4 है, -4/3, अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, -2 और ये हो जाएगा +2 + 4/3, 6 + 4/3 दैट इज 10/3, तो आंसर इज 10/3, राइट तो यही हमें निकालना था, दैट इज माइनस ऑफ 3 - 2/3, अच्छा इसका 3 रह गया आपके पास एक, राइट तो ये आपके पास 6/, यहाँ पर एक हमने मिस्टेक की है तो ये आपके पास आ रहा है 6/3, ठीक है दैट इज इक्वल टू 2, ये 3 रह गया था ना एलसीएम का, तो -2/3 - +2/3 + 4/3 - 6/3 दैट आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 31, फिर से ऑप्शन है इसमें. ये जो भी हमारी बीच में कई बार मिस्टेक होती है ना, ये मिस्टेक हमारी उस टाइम तो फिर भी माइंड में नहीं आती. कब देखती हैं? जब हम रिवीजन करते हैं, जब आंसर शीट को आप रिवाइज करोगे दोबारा से, तो हमें ये कैलकुलेशन कई बार दिख जाती हैं. 31st क्वेश्चन, फिर से फर्स्ट पार्ट क्योंकि ऑप्शन है. अब ये क्वेश्चन आपके पास है प्रॉबेबिलिटी का, राइट? टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स. If x denotes the smaller of two numbers obtained, find the probability distribution of x. Also find mean of the distribution. आपके पास distribution का question है, binomial तो है नहीं इस बार, probability distribution का question है. दो numbers आपने select किए randomly without replacement from first 7 natural numbers. अगर NCERT में देखो तो आपके पास first 6 natural numbers का दिया है, इसमें उसने 7 नेचुरल नंबर्स बोले हैं जिसमें से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं. x डिनोट्स द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेंड. x क्या डिनोट कर रहा है? दोनों में से जो नंबर स्मॉलर होगा, मींस 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 उसमें स्मॉलर कौन सा है? 1. फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 ऐसे ही 7 1 से 7 6 तक ये नंबर्स आएंगे, उसमें से आपको स्मॉलर नंबर लेना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. हमें मीन भी निकालना है. तो देखो एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट्स द स्मॉलर नंबर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेंड. एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? अब 1 स्मॉलर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा. यही नंबर स्मॉलर आएंगे और x यही डिनोट कर रहा है आपके पास स्मॉलर नंबर, राइट? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, कितने में से? 7 में से. तो 7c2 आउट ऑफ 7 यू हैव टू सेलेक्ट एनी टू नंबर्स, तो दैट इज 7c2. और 7c2 कितना आएगा? 21. फैक्टोरियल से निकालते हो ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एनसीआर के फॉर्मूला से. प्रॉबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1. अब कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें आपके पास 1 स्मॉलर आएगा? 6. 6 ही नंबर्स होंगे आपके पास, क्योंकि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, उसके बाद भी जितने आप देखोगे जब आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, तो 6 अपॉन 7c2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 by 21. प्रॉबिबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2, मैं कैंसिल आउट नहीं करूंगी क्योंकि कैंसिल आउट करने से फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. अब सबका एलसीएम एक ही हम लेंगे, 21. x को 2 डालेंगे तो 5 केसेस आएंगे, तो हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे एक एक केस कम करके. x इक्वल टू 3 है तो 4 by 7c2, दैट इज 4 by 21. x इक्वल टू 4, 3 by 7c2, दैट इज 3 by 21. 2 by 7c2, 2 by 21. 1 by 7c2, दैट इज 1 upon 20 1. ये आ गया. अब हम यहां से लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाते थे. एक्स आई पी आई, और यहां हम एक्स क्या आएगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 by 21, 5 by 21, 4 by 21, 3 by 21, 2 by 21 एंड 1 by 21. पी आई एक्स आई जब हम निकालते हैं तो ये क्या आता है आपके पास? मीन, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, पी एक्स जिसे हम लिखते हैं, राइट? मल्टीप्लाई करें, 10 by 21, 12 by 21, 12 by 21, 10 by 21, 6 by 21. ऐड करें इसे, 56,
बाय 21, यही आ रहा है आपके पास, दैट इज़ एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, दैट इज 56 बाय 21, दैट इज 8 बाय 3. तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 56 बाय 21, दैट इज 8 बाय 3. तो मीन भी आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास आ गई. ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट. सेकेंड आपके पास ऑप्शन है जिसमें उसने बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट? उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, सेम बेस थ्योरम. देखो इसमें क्या है, देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन. वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रेंडम एंड टॉस्ड. इफ इट शोज हेड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज द टू हेडेड कॉइन? If it shows head, a event already हो चुका है. अगर ये लाइन ना होती तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता. हमने बेस और टोटल में डिफरेंस किया था कि अगर जो इवेंट हुआ है और पता है कौन सा हुआ है तो वो बेस थ्योरम है, अदरवाइज टोटल प्रोबेबिलिटी. तो ध्यान रखना. तो अब उसने क्या कहा, तीन इवेंट्स हैं आपके पास, देर आर थ्री इवेंट्स. तो इवन क्या हो जाएगा आपके पास, एक इवेंट हो जाएगा, दैट इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ टू हेडेड कॉइन. दूसरा बायस्ड कॉइन है जिसमें 75% आपके पास क्या आता है, हेड. तो दैट इज E2 इज इवेंट फॉर बायस्ड कॉइन जिसमें 75% हेड आता है, और E3 अनबायस्ड कॉइन है, इवेंट ऑफ अनबायस्ड कॉइन जिसमें 50% हेड और 50% टेल आता है. ए इवेंट क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड. तो ए इवेंट जो हो चुका है वो क्या है, कॉइन शोज हेड. हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन. तो टू हेडेड कॉइन E1 था व्हेन इट इज गिवन दैट ए. तो फॉर्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन सम ऑफ ऑल दीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3, राइट? तो यहां सिर्फ वैल्यूज पुट करने के लिए, अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ए बाय E2 और ए बाय E3. E1, E2, E3 तीन इवेंट्स हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल. ए कॉइन शोज हेड जब वो दो हेडेड कॉइन हो. जब टू हेडेड कॉइन है तो शो क्या करेगा, हमेशा हेड, दैट इज श्योर इवेंट. जब एक कॉइन आप टॉस करते हो तो हमेशा ही हेड आएगा, क्यों, क्योंकि वो टू हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ क्या है, हेड, तो श्योर इवेंट हो गया. ए बाय E2 हेड आना चाहिए और हेड आने की प्रोबेबिलिटी E2 में क्या थी, 75%, दैट इज 3/4, और ए बाय E3 50%, दैट इज हाफ. सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो एंड वी गेट द आंसर. तो 1/3 इनटू 1 अपॉन 1/3 इनटू 1 प्लस 1/3 इनटू 3/4 प्लस 1/3 इनटू हाफ. तो यहां से इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करें. 1/3 तो कॉमन ही ले लो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/3 इनटू 9/4, दैट इज 4/9. 1/3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3/4 प्लस हाफ, एलसीएम लिया 9/4, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, राइट? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट, डायरेक्ट था. लास्ट 32nd क्वेश्चन सेक्शन सी का,
देखो 32nd क्वेश्चन. टू टेलर्स ए एंड बी अर्न रुपीज 150 एंड 200 पर डे रिस्पेक्टिवली. ए कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे व्हाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे. फॉर्म अ एलपीपी टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स एंड सॉल्व इट ग्राफिकली. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और इस बार 4 मार्क्स में आना है क्योंकि चैप्टर 5 मार्क्स का है. तो दो टेलर्स हैं ए और बी, अर्न करते हैं. कितना अर्न करते हैं? 150 रुपीज और 200 रुपीज डेली. ए कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे व्हाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे. फॉर्म अ एलपीपी टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 60 शर्ट्स, एट लीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स, राइट? अब आपके पास ये क्वेश्चन किस चीज का आ गया? एलपीपी का. तो एक्स हम क्या मानेंगे? लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई. मीन्स हम क्या लिखेंगे? लेट टेलर ए वर्क्स फॉर एक्स डेज एंड टेलर बी वर्क्स फॉर वाई डेज. तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और क्या निकालते थे? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. मिनिमम निकालना है तो जेड मिनिमम क्या हो जाएगा? कॉस्ट की बात हो रही है, 150x प्लस 200 ऑफ वाई. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस क्या बनेंगी? That is 6x plus 10y is greater than equal to 60, 4x plus 4y is greater than equal to 32, and x and y is always positive, right? तो आपके पास ये दो conditions बनी. इन दो conditions से अब आप क्या करोगे? Graph draw करोगे और यहाँ से corner points निकालोगे. तो graph draw करने के लिए मैं एक बार rough draw कर रही हूँ, आप इसे proper करोगे. आपके पास जो लाइंस आ रही हैं दो इस तरह से आएंगी, जिसमें फर्स्ट रीजन है तो ये आएगा. अब यहाँ से आपके पास ये जो बी पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आ रहा है 5 3, दिस इज 0 8 एंड दिट इज 10 0. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट निकालने के लिए पॉइंट हम कौन से लेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स बी, जो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला. Z मिनिमम आपके पास क्या है? 150x प्लस 200 ऑफ y. तो ये आपके पास आ जाएगा 1500 प्लस 0. 5 पुट करोगे तो दैट इज 750 प्लस 600, और 0 पुट करोगे तो 0, और 8 पुट करोगे तो 1600. हमें क्या निकालना था? मिनिमम. तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी? ये. तो आंसर लास्ट में जरूर लिखोगे दैट मिनिमम कॉस्ट इज 1350 व्हेन एक्स इज 5 एंड वाई इज 3. मींस टेलर ए वर्क्स फॉर 5 डेज एंड टेलर बी वर्क फॉर 3 डेज. तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 32. क्लियर? तो आपके पास यहां से क्या आ रहा है? आपके पास मिनिमम वैल्यू. तो टू चेक, ड्रॉ किया हमने, देयर इज नो कॉमन रीजन विद विजिबल रीजन, सो मिनिमम वैल्यू इज 1350. क्लियर? तो ये थे आपके पास सेक्शन सी, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने किए. अब हमारे 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं. अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखना चाहें तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, CBSE सैम्पल पेपर विद सेक्शन डी. आज हमने सेक्शन सी कंप्लीट किया. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सेक्शन बी. हमने लास्ट से स्टार्ट किया था ताकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो, राइट? सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.